हेलो स्टूडेंट्स, माइसेल्फ स्नेहा त्रिवेदी। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 6। अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4,000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर 15 मीटर 6 मीटर। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। देखिए, इसने बोला है कि इतने इतने मेजरमेंट का एक टैंक है, मतलब टैंक जो है क्यूबॉइडल की शेप में है, क्यूबॉइड या क्यूब की शेप में है, इस तरीके से। ठीक है, ये टैंक है, उसमें जो पानी है उसके मेजरमेंट, उस टैंक की मेजरमेंट इतनी है। ठीक है, हमें बोला है कि एक गांव है, एक विलेज है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है 4,000, और एक जने को कितना पानी चाहिए, इतना लीटर, 150 लीटर। ठीक है, तो हम पहले टोटल निकालेंगे। देखिए, वाटर रिक्वायर्ड पर डे, मतलब एक दिन में एक जने में फॉर वन पर्सन एक जने को एक दिन में कितना पानी चाहिए 150 लीटर। ठीक है, इतना पानी चाहिए एक जने का, एक दिन का इतना है, और हैं कितने लोग उसमें, 4,000 हैं, कितने 4,000। तो हम अगर 4,000 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल जाएगा, 4,000 लोग का एक दिन का पानी का निकल जाएगा, कि उनको कितने पानी की रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, वाटर रिक्वायर्ड पर डे, मतलब एक दिन पर डे फॉर 4,000 पर्सन। ये कितने का था, एक पर्सन का, फॉर 4,000 पर्सन, मतलब 4,000 लोगों को कितना चाहिए होगा, एक जने का इतना है, तो 4,000 को क्या चाहिएगा, 4,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4,500 × 20 = 4,500 × 20 = 4,156, और ये 3 और एक 4,0, मतलब ये कितना हो जाएगा, 6 लाख लीटर। हमें देखिए, ये लीटर में है, हमें किस में चाहिए, मीटर में। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको मीटर्स में निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1,000 से मल्टीप्लाई, मीटर, क्यूबिक मीटर में निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 1,000 से डिवाइड करना पड़ता है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया भी था, 5th क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम इसको 1,000 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि मीटर क्यूब में निकाल रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, मीटर क्यूब कितना आ जाएगा, ये 600 मीटर क्यूब। कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है, 600 मीटर क्यूब की वाटर की रिक्वायरमेंट है। समझ में आया क्या, कि 4,000 लोगों को कितने पानी की ज़रूरत है, 600 मीटर क्यूब पानी की ज़रूरत है। अब देखिए, इतने पानी की तो ज़रूरत है, अब हमें क्या बोला है, टैंक में कितना पानी आएगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, तभी तो हम बता सकते हैं कि जो टैंक में जो पानी है वो कितने दिन चलेगा। ठीक है, उसके लिए हमें पता लगाना पड़ेगा कि टैंक में कितना पानी है, तो उसके वाटर कैपेसिटी हम किससे निकालेंगे, इससे हम क्या निकालेंगे, उसकी वाटर कैपेसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो हम निकालेंगे, ये तो हमारा आ गया डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। क्या आया, ये डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, मतलब वाटर की डेली कितनी रिक्वायरमेंट है, 600 मीटर क्यूब रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि एक इस टैंक में कितना वाटर आता है, तभी तो हम इस वाटर को इससे कंपेयर करेंगे, इससे करेंगे कि कितने डेज में आएगा। तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। समझ में आया हमने क्यों निकाला वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, वो कैसे निकालेंगे, L × B × H होता है। ठीक है, तो लेंथ हमें कितनी दी है, 20 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर, तो कितना आ जाएगा ये हमारा, 1,800 मीटर क्यूब। ये आ गया हमारा क्या, वॉल्यूम ऑफ टैंक, मतलब टैंक की कैपेसिटी निकाल ली कि एक टैंक में कितना पानी आ रहा है, 1,800 मीटर क्यूब पानी आ रहा है, 1,800। ठीक है, और हमें रिक्वायरमेंट कितनी है, एक दिन में इतने की है। अब हमसे पूछा है ये जो टैंक का पानी है ये कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो देखिए, सपोज हमने बोला हमारे पास 4 रोटी है, कितनी रोटी है, 4 रोटी है। ठीक है, और एक दिन में जो खर्चा हो रहा है रोटी का कितना हो रहा है, एक रोटी का खर्चा हो रहा है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि ये 4 रोटी कितने दिन चलेंगी,
तो हम इस 4 को किससे डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारी एक ये जो रोटी है कितने दिन चलेगी, 4 दिन। सपोज हमारी जो है 4 रोटी है और ये एक दिन में कितनी रोटी खर्च हो रही है, 2, ठीक है, तो हमारी कितने दिन चलेंगी, 2 दिन हम डिवाइड करेंगे। सपोज ये तो छोटी सी कैलकुलेशन थी, सपोज हमारी है 400, ठीक है, 400 रोटी है और एक दिन में 2 रोटी खर्च हो रही है, ठीक है, तो ये जो रोटी है 400 ये कितने दिन चलेंगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 400 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह सेम ये क्वेश्चन है, ठीक है, हमें बोला है कि इतना खर्चा एक दिन का, जैसे 2 रोटी है वो ये है, इतना खर्चा एक दिन में हो रहा है, ठीक है, हमसे पूछा गया है, और 400 और टोटल हमारे पास कितना है, 1800, जो हमारे पास पानी है वो कितना है, 1800 मीटर क्यूब, तो ये हमारा टोटल है, तो हम क्या करेंगे, इस इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 1800 को 600 डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता क्या पता चल जाएगा कि कितने दिन ये पानी चलेगा, आया समझ में, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, क्यों, नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए, नंबर ऑफ डेज फॉर विच वाटर लास्ट मतलब कितने दिन पानी चलेगा, और तो कितना चलेगा, देखो 1800 टोटल वाटर है और हमें एक दिन में कितना चाहिए, 600, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 6 3 जा, कितने दिन चलेगा, 3 डेज, आया समझ में, क्यों निकाला स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं रिवाइज करा देती हूँ, देखिए क्या चाहिए था हमें, हमें बोला था वाटर, एक दिन में 1% के वाटर की रिक्वायरमेंट थी 150 लीटर, हमने क्या किया, पहले 4000 का निकाला कि 4000 लोगों को एक दिन में पानी की कितनी ज़रूरत है, तो कितनी ज़रूरत है हमें, इतनी 6 लाख लीटर की ज़रूरत थी, हमने क्या किया उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट किया, मीटर क्यूब में, क्योंकि जो हमारा टैंक है हमें उसका जो वॉल्यूम निकालते वो हमारा किस में आता, मीटर क्यूब में आता, इसलिए हमने इसको मीटर क्यूब में करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, ठीक है, तो हमारा है 600 मीटर क्यूब, तो एक दिन में पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है, 1000 मीटर क्यूब है, एक दिन में पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है, 1000 मीटर क्यूब है, ठीक है। अब हमें डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, मतलब एक दिन डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, 600 मीटर क्यूब इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब हमें देखिए हमारे पास टोटल वाटर है कितना, तो वाटर कितना होगा, जितना बड़ा टैंक है उतना ही तो पानी होगा, तो उस टैंक का हमने वॉल्यूम निकाल लिया कि उसमें कितना पानी आएगा, तो उसको हमने वॉल्यूम निकाल लिया, तो उससे क्या पता चल गया कि उस टैंक में कितना पानी आ रहा है, 1800 मीटर क्यूब पानी आ रहा है, ठीक है। अब हमें निकालना है कि नंबर ऑफ डेज, कितने दिन ये पानी चलेगा, ठीक है, तो देखो 600 एक दिन में चल रहा है तो 3 दिन में ये चलेगा, क्या किया हमने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने से हमें क्या पता चल गया कि 3 दिन ये 1800 पानी 1800 मीटर क्यूब ये टैंक का पानी चलेगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमने किया। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसी लगी, सो डैट मुझे भी पता चलेगा कि कैसी वीडियोज आ रही हैं, कैसा समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। और अगर किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।